लैवेंडर है। हम एम्बे क्वीन लास्ट एक डेढ़ साल से यूज कर रहे हैं और बहुत सेटिस्फाइड है। इसमें खाना बना के बहुत अच्छा हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड बनता है। आज की डेट में तो हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऑयल वाला खाना उसके बाद और बड़ा एक चैलेंज है। तो ये हमें एक ऑप्शन देता है जिसमें हम जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। तो आज मैं जो इसमें बनाने जा रही हूँ पंजाबी छोले हैं, जो पंजाबियों का एक बहुत बड़ा मन में होता है कि वो ऑयल के बिना मसाला तो भून ही नहीं सकता। तो आज मैं इसमें आपको वो दिखाऊंगी कि ऑयल के बिना मसाला कैसे भून सकता है और छोले कितने अच्छे बन सकते हैं। इसके लिए पहले मैंने छोले जो रात को भिगोए थे तो उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए। तो लगभग 40 मिनट के आसपास ये छोले बॉयल हो जाते हैं जो रात के भीगे होते हैं। तो इसमें मैंने पानी डाल के जो मैंने बॉयल करने रखे हुए तो ऑलरेडी बॉयल्ड होने वाले हैं। तो उतनी देर में हम दूसरी तरफ मसाला भूनना शुरू कर देंगे। ये ऑलरेडी बॉयल्ड जैसे हो चुके हैं, पर हम जब तक मसाला भूनेंगे तो एक साइड पे ये होते रहेंगे। ये इसमें मैं मसाला भूनूंगी। मसाले के लिए हमें चाहिए बेसिकली प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन। प्याज मैंने पीस के रखे हैं और टमाटर में ही अदरक और लहसुन भी पीस के रख लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ बिना ऑयल के कितनी जल्दी ये मसाला बन जाता है इसमें, क्योंकि इसमें क्वीन में टेक्नोलॉजी है बेस में कि एक तो जो मसाला पंजाबी खड़े होकर भूनते रहते हैं अच्छे से हिलाते रहते हैं, उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती और उसके साथ साथ हम कितने और काम भी अपने खत्म कर लेते हैं। जैसे मैंने इसमें सबसे पहले ये प्याज बिना कुछ डाले, सिर्फ प्याज डाल रही हूँ डायरेक्ट, कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज डाले और इसको थोड़ा सा हिला के और मैंने इसमें ढक के रख दूंगी। जो इसमें जो टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटिकली वो बनना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खड़े होके करछी मारते नहीं रहना पड़ेगा। जो हम कहते हैं कि तेल छोड़ गया तो मसाला भुन गया, वो टेक्नोलॉजी हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती। इतनी देर में हम और कितने काम अपना खत्म कराते हैं जिससे ये बन जाता है ऑटोमेटिकली। वाइट लॉक से ये हिलने लग जाता है जिससे इंडिकेशन होता है कि मसाला अंदर काफी हद तक भून चुका है। अगर हम खोल के इसको देखेंगे तो देखिए मसाला प्याज अच्छे से भून चुके हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल ऑयल ही डाला और उसको मैंने बिल्कुल भी हिलाया नहीं, बस डाला और ढक के अपना काम करने लग गई। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर पीसे हुए, जिसमें मैंने अदरक और लहसुन भी साथ में पीस दिया, क्योंकि अदरक और लहसुन बहुत जरूरी है चने के लिए। तो खूब सारा लहसुन और अदरक मैंने टमाटर में ही पीस दिया और इसको भी मैं ऐसे ही मिक्स करके तो ढक के छोड़ दूंगी। ये भी ऑटोमेटिकली अपने आप मसाला भून जाएगा। टमाटर और प्याज कैसे हैं, हो चुके हैं मसाला, देखिए मसाला ऑलमोस्ट हमारे टमाटर और प्याज रेडी हैं। अब मैं इसमें हमारे नमक मिर्च सब कुछ जो हमें डालना होता है वो डालती हूँ, जिससे थोड़ा सा 5 मिनट रखने से मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा चने में डालने के लिए। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, वो अपने टेस्ट के अनुसार सारे अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना जितना डालना है। धनिया पाउडर और ये मैंने काले करने के लिए आमचूर, जीरा और धनिया पाउडर को मिक्स भून के रखा हुआ है, तो इसको हम डालेंगे और मिक्स करके फिर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो नमक मिर्च अच्छे से मिक्स होके मसाला पूरी तरह रेडी हो जाएगा विदाउट ऑयल, जिसमें हमने एक ड्रॉप ऑयल भी नहीं डाला, और फिर से इसको ढक देंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हिलने लगा, तो जिससे हमें पता लगता है कि अंदर मसाला रेडी हो चुका है। हम खोल के इसको देख सकते हैं, वाह कितना अच्छा कलर आ चुका है और मसाला हमारा रेडी है। इसको कोई देख के बता भी नहीं सकता कि इसमें ऑयल नहीं है। तो इसको हम अब चने में डालने के लिए रेडी है और हमारे चने भी इधर रेडी है। चने भी आप देखिए पूरी तरह से बॉयल्ड हो चुके हैं, अच्छे से बॉयल्ड हैं। तो ये मसाले को हम इसमें डाल देंगे। विसल्स बजा के इतनी देर, जिससे विसल से सारा न्यूट्रिशन हमारा सब्जियों का बाहर निकल जाता है, जो हमने इसमें सेव किया, जो भी ऑलरेडी सब्जियों के पानी भी कम डलता है जिसमें, और क्योंकि इसमें खाना सब्जी के पानी से ही, अगर हम नॉर्मल सब्जियां बनाएं तो सब्जियों के पानी से ही खाना बन जाता है, हमें बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती और कलर भी बहुत अच्छा आता है।
तो जिससे कि हमारा हम कुछ न्यूट्रिशन बचा पाते हैं जो आजकल वैसे भी बहुत कम अवेलेबल है। तो फिर हम जो कुकिंग मेथड यूज करते हैं कुकर एंड ऑल उसमें वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बट इसमें हम उसको अपनी हेल्थ के लिए बचा सकते हैं और अपनी फैमिली को हेल्दी बना पाते हैं। ये खुलने लग गया, ये अगेन हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हम इसको खोल के अब देखें। चने ऑलमोस्ट रेडी है, पानी थोड़ा सा मैंने ज्यादा डाला, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। कम टाइम में बहुत जल्दी जो चने बनाना एक बहुत बड़ा काम लगता है कि पहले उबालेंगे फिर मसाला बनाएंगे, बहुत लंबा काम लगता है, बट इसमें बहुत कम टाइम में हम बहुत अच्छा खाना बना पाते हैं और आप साथ साथ अपना और भी बहुत सारे काम कर लेते हैं।